हाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारे एक क्लाइंट का घर का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये हाफ कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंटल लेवल से हमने पारबोला निकाला। ये खिड़की में हम लोगों ने कोर निकाला हुआ है बॉक्स के लिए, जो कि बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। दो तरफ से बिट भी है इसमें। ये आप देख सकते हैं, ये हॉल है, ये आपका गेस्ट रूम है। इसमें हम लोगों ने खिड़की में डिज़ाइन निकाला हुआ है बहुत बढ़िया सा। ये आप देख सकते हैं, ये साइड व्यू है। यहाँ पर बगल में ये किचन है। किचन के ऊपर में हम लोगों ने दो वेंटिलेशन के लिए पॉइंट छोड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खिड़की में भी हम लोगों ने छज्जा दिया हुआ है, जो कि बिट टाइप का है, हाफ हाफ इंच, 1.5 इंची का बिट है। यह आप दूसरा बेडरूम का खिड़की देख सकते हैं, बगल में ही एक बेडरूम है। एक और बेडरूम का खिड़की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड बेडरूम का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा पीछे का टॉयलेट है, जिसका यहाँ पर 2x2 का बना हुआ है वेंटिलेशन के लिए, काफ़ी अच्छा। ये हमारा स्टेयर केस है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सा 5 इंचेस हाइट का ये स्टेयर केस है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके नीचे में आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी स्पेस बच रहा है, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल बोर्ड और ये सब लगाने के काम आएगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग इंटर कर चुके हैं ये लिविंग एरिया में, जो कि काफ़ी बड़ा सा 14 फीट बाई 12 फीट का। ये देख सकते हैं आप, हम लोग डाइनिंग एरिया में हैं और ये सामने हमारा किचन है। किचन के बगल में हमारा एक बेडरूम भी है। और ये देख सकते हैं स्टेयर केस के सामने का फ्रंट है, जिसमें हम लोगों ने कोर निकाला हुआ है बिट टाइप का, जो कि 3-3 इंची का है। काफ़ी खूबसूरत सा ये लुक देखे जाता है। यहाँ स्टेयर के नीचे भी हम लोगों ने कुछ स्पेस रखा हुआ है। ये कार पार्किंग के लिए स्पेस है, बाइक वाइक के लिए भी स्पेस है, काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके अंदर। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक जो लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं, ऊपर के तरफ में हम लोगों ने एक पैराबोलिक हम लोगों ने लिंटल दिया हुआ है, जो कि इसको काफ़ी अच्छा खूबसूरती प्रोवाइड करता है। फिर आप यहां पर देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से हो चुका है कंप्लीट, लिंटल से अब हो चुका है। ये सामने के तरफ में आप देख सकते हैं कि आपका ये टॉयलेट है, और ये आपका गेस्ट रूम है, जिसमें अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं। ये गेस्ट रूम बहुत आपका 12x10 का है, काफ़ी अच्छा है, ये आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा से। यहाँ पर प्रॉप्स, आप प्रॉप्स के जगह पे देख सकते हैं बैम्बू का यूज़ किया गया है सेंटरिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये खिड़की है, काफ़ी अच्छा सा है। जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सामने पहुँचते हैं। ये हमारा एक बेडरूम है, जो कि मास्टर बेडरूम है, और ये हमारा किचन है। किचन में हम लोग इंटर करते हैं, जो कि 7x9 का ये हमारा किचन है। ये अलमीरा जैसा डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन था। यहाँ पर दो आप खिड़की देख सकते हैं, ये स्लैब है, पूरा फेसिंग में हमारा विंडो ओपन हो रहा है, जो कि बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है कुकिंग के पर्पज़ से। यहाँ पर आप बगल में देख सकते हैं, दो स्लैब है, जो कि सामान वामान रखने के लिए, स्टोर रख जो भी हमारा होता है उसके लिए काम बहुत अच्छा होता है। देखिए, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हम लोगों ने 7x9 में किचन डिज़ाइन किया हुआ है, काफ़ी बेहतरीन सा। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ से निकलते हैं हम लोग डाइनिंग एरिया में पहुँचते हैं, और ये सामने में हमारा है टॉयलेट, जो कि अटैच है हमारे इस बेडरूम से। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, देख सकते हैं कितना मास्ट में भी हम प्रॉप्स का यूज़ हो चुका है सेंटरिंग पर्पज़ के लिए। अब ये कुछ दिन में इसकी ढलाई होगी, आप देख पा रहे हैं ये प्रॉप्स पूरे तरह से लग चुका है। ये स्लैब है, जो कि हम लोगों ने अलग तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है। ये आपका लिंटर लेवल से कुछ हाइट पे है, 2 रद्दा यानी कि 6 इंचेस हाइट पे इसको प्रोवाइड किया गया है। कुछ अलग लुक देने की कोशिश की गई है। ये सामने की तरफ हम लोग अटैच टॉयलेट में आते हैं, जो कि 4x6 का है, काफ़ी अच्छा सा है। इसके अंदर में आप देख सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए हम लोगों ने 2x2 का ये लगाया हुआ है खिड़की, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ से हम लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, हम लोग सामने के तरफ में देख सकते हैं पूरा प्रॉप्स का यूज़ किया हुआ है, यह सेंटरिंग चल रहा है। ये भी एक बेडरूम है, इस बेडरूम में भी आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से। ये आपका कॉमन टॉयलेट है, जो कि 5x8 का है, काफ़ी अच्छा सा है, देख सकते हैं साइज़ काफ़ी अच्छा है। यहाँ से फिर हम लोग चढ़ते हैं स्टेयर केस पे। स्टेयर केस जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, 3.5 फीट इसकी चौड़ाई है।
और आप चढ़ के ऊपर आ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं लैंडिंग से। यहाँ से हमारा पूरा छत दिख रहा है, ये देखिए पाराबोला है। उसके बाद आप देख सकते हैं लिविंग एरिया, और ये पूरा हमारा जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका है। इस तरह का बेहतरीन प्लान्स के लिए और नक्शा के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर